कब्रिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? कुछ भी नहीं, लोग छोड़ गए जाते जाते। कब्र की पुकार, क्या तूने कभी मुझे याद किया? जरा सुन, मेरे अंदर अंधेरा है, नमाज की रोशनी लेते आना। मेरे अंदर घबराहट है, तिलावत कुरान लेते आना। मेरे अंदर सांप बिच्छू है, हुजूर की सुन्नत लेते आना। मेरे अंदर आग है, खौफे खुदा का पानी लेते आना। इस मैसेज को अपने मोबाइल के सब मुस्लिम कॉन्टैक्ट्स को सेंड करें, क्या पता किसी के अमल करने से आपकी भी बख्शिश हो जाए। जिसकी नमाज अच्छी उसकी ज़िंदगी अच्छी, जिसकी ज़िंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, जिसकी आखिरत अच्छी उसकी जन्नत पक्की। सो डोंट मिस नमाज। कम से कम नेकी के लिए इस मैसेज को एक दोस्त को तो ज़रूर सेंड करें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। कयामत के दिन एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि अपनी उंगलियों के नाम बताओ, जवाब अपने हाथ की छोटी उंगली से स्टार्ट करें, एक आमीन, दो अमानत, तीन जन्नत, चार शहादत, पांच फ़र्ज। ये वो बात है जो बहुत कम लोगों को मालूम होगी। पांच जगह हंसना 25 गुनाह के बराबर है, एक कब्रिस्तान में, दो जनाजे के पीछे, तीन मजलिस में, चार तिलावते कुरान में, पांच मस्जिद में। सिर्फ एक बार भेजो, बहुत लोग इस गुनाह से बचेंगे। अकेले हो, अल्लाह को याद करो। परेशान हो, दुरूदे पाक पढ़ो। उदास हो, या हय्यू या कय्यूम पढ़ो। टेंशन में हो, या रहीम हो पढ़ो। फ्री हो, फॉरवर्ड करो। या अल्लाह हम पर और तमाम उम्मत पर रहम फरमा, आमीन। इन्फॉर्मेशन, क्या आप जानते हैं कुरान पाक को सुनने से कैंसर नहीं होता, बल्कि कैंसर सेल अगर हो तो वो भी मर जाते हैं। लंबे सजदे करने से जहन तेज़ होता है, सर दर्द और बाल गिरने से बचता है। तशद्दुद के दौरान उंगली उठाने से दिल मजबूत होता है। ये मैसेज शैतान फॉरवर्ड करने से रोकेगा, मगर आप ऐसा होने ना दें और सब कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर दें। फॉलो कुरान एंड सुन्नत। कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, बहुत से लोग इसको खुद ही दावत देते हैं। बहुत मामूली एहतियात करके इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अक्सर लोग खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं। खाना खाने के बाद पानी खून में मौजूद कैंसर का सबाब बनने वाले सेल्स को ऑक्सीजन फरहम करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के पहले पानी पीना शिफा है, खाने के बीच में पानी पीना दुआ है, खाना ख़त्म होने के पहले पानी पीना दवा है, खाने के बाद पानी पीना वबा है। बेहतर है खाना ख़त्म होने के कुछ देर बाद पानी पिए। ये बात उनको भी बताएं जो आपको जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। जो शख्स सोते वक्त 21 बार पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं कि इसकी हर सांस के बदले नेकी लिखो। आपके मोबाइल में जितने नंबर सेव हैं उन सबको फॉरवर्ड करें और देखें आज आपकी वजह से कितने लोग बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। शिफा ही शिफा, रोज़ एक एप्पल, नो डॉक्टर, रोज़ चार बादाम, नो कैंसर, रोज़ एक लेमन, नो फैट, रोज़ एक ग्लास मिल्क, नो बोन प्रॉब्लम, रोज़ 12 ग्लास पानी, नो स्किन प्रॉब्लम, रोज़ 4 खजूर, नो वीकनेस, रोज़ 5 वक्त की नमाज, नो टेंशन, रोज़ तिलावत कुरान विद ट्रांसलेशन, सुकून ही सुकून। डोंट स्टॉप फॉरवर्ड प्लीज़। स्किन के लिए वजू का पानी, जिगर के लिए कुरान की तिलावत, सेहत के लिए नमाज, और खुश रहने के लिए अल्लाह का जिक्र किया करो। अच्छी बात फैलाना सदका है। 30 लाख नेकियां लिख दी जाती हैं। कयामत के दिन तो इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा। जब तक ये मैसेज फॉरवर्ड होता रहेगा, मुझे और आपको इसका जवाब मिलेगा। सऊदी अरबिया के 70 उल्मा ने फ़ोन पे हलो करने या कहने को हराम करार दिया है, क्योंकि हल का मतलब जहन्नम और हलो का मतलब जहन्नमी है, जबकि अंग्रेज़ खुद कॉल करके हाय और कॉल पिक करके यस बोलते हैं। सो ऑलवेज से अस्सलामु अलैकुम। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान को इस बात से बाखबर करके सवाब हासिल करें। प्लीज़ शेयर टू ऑल मुस्लिम। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।